बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फज़ल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ लेबर दो वीज़े निकाल के जैसे उसको कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी में। दोबारा जा रहा हूँ, देखते हैं टाइमिंग है और फिर बंद हो जाता है। पहला वर्किंग डे था, मैंने कहा चले आता। उसने बोला था तो 3 दिन बाद जाएगा क्यों जी बात उनको किराए से बोला। स्टिल हुआ नहीं है, तो नहीं है। एक तो माइक का जो है ना वो फोम गिर गया है, बॉल गिर गई है माइक की, तो थोड़ा सा जो है ना नॉइस आती है, ईयर नॉइस आती है। तो इंशाल्लाह आज वो फिक्स करने की मैं कोशिश करता हूँ। या तो कुछ दस्ती जुगाड़ लगाते हैं या फिर कुछ और करते हैं इसके लिए। मैंने चेक की है नेट के ऊपर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं माइक्रोफोन। फिलहाल लेबर चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि क्या सूरत हाल है। यार लेबर मिनिस्ट्री में पहुँच गया हूँ, ये सुनाया 13 में है। अब वहाँ जाके थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो माह रमज़ान है और टाइम शॉर्ट है, 1 बजे तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है टाइम मिल जाएगा, तो लेते हैं फिर इंशाल्लाह इसे। फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मिनिस्ट्री से, तो वो बोल रहे हैं जी दोबारा अप्लाई करें एप्लीकेशन 26 अप्रैल को। वो दोबारा बोल रहा है कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। तो फिर मैंने पीआरओ से बात की है, तो पीआरओ बोल रहा है कल मैं जा रहा हूँ, तो मैं जाके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ एक आध आ जाए। चले मैंने कहा ठीक है। असल में मैंने 2 अप्लाई नहीं करने थे, मैं सब मिल जाएंगे। एक अप्लाई करता ना एक मिल जाना था मुझे, लेकिन मैंने 2 अप्लाई किए हैं। तो 2 पे टोटल क्योंकि थे ही 7, तो 2 पे उन्होंने रिजेक्ट मार दिया। चले कोई इशू नहीं है, ऑल इज़ वेल। आज तो 2 तारीख है अप्रैल की, 26 अप्रैल तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, टाइम लगेगा उस पर। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, सिर्फ ट्रक ही होते हैं। अब मैं जाता हूँ क्या नाम है बैटरी लेने के लिए। मेरे ख्याल में टाइम बचा हुआ है, तो बैटरी लेके आता हूँ और इस बाइक में डलवाता हूँ। मेरे इसकी बैटरी डेड हो जाती है, समझ नहीं आ रहा, इसकी सलफ नहीं लेती है। सो शाम को खड़ा करता हूँ तो सही होती है, सुबह फिर ये डेड हो जाती है। चार्ज रहता है, चलाते रहो तो
या करंट छोड़ देती है बिल्कुल ही, और किक जो है इसकी लगती नहीं है। मेरे ख्याल में बैटरी का ही फॉल्ट होगा, बैटरी चेंज करके देखते हैं। 60-70 रियाल की आती है तो नहीं तो फिर कुछ और फिर देखेंगे। चले 5-6 महीने इसके निकल जाए बैटरी के, क्योंकि काफ़ी टाइम खड़ी रही है बाइक पर, पता नहीं कब से खड़ी हुई है। यार ये पावर, मोर पावर दोहा ट्रेडिंग में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मैं बैटरी लेता हूँ और बैटरी लेके फिर इसमें चेंज करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि लग रही हुई यही इशू हो, कोई मुको और दूसरों को मसला ना हो, क्योंकि आज हर हाल में एक राइडर को बाइक देनी है मैंने। यार बैटरी मैंने ले ली है, अब मैं सामने एक वर्कशॉप है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद वो डाल दे, नहीं तो फिर मुझे किसी उधर जाना पड़ेगा। बाइक वाली वर्कशॉप पे साइड से एल की का वो लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बैटरी लगाना है, लगा देगा हा? बैटरी हाँ। बाइक बैटरी हाँ हाँ कुछ भी रखा है क्या? ओके मैं ये बैटरी लगवा के ना इंशाल्लाह अपलोड को। बैटरी मैंने डलवा दी है और अभी मैं जा रहा हूँ फिर दोबारा ऑफिस में। वो एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, थोड़ा गिरा है वो लड़का, तो उसकी आईडी को ब्लॉक कराना है मैंने टेम्परेरी, क्योंकि वो बंदे ने बोला हुआ है मैनेजर ने कि इसको ब्लॉक कराओ नहीं तो बार बार इस पर फाइन आएगा लॉगिन का। तो अभी वैसे ही वहीं से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो आईडी जो है वो ब्लॉक कराता हुआ जाता हूँ। देखते हैं, एक तो छोटी जगह पे रश बड़ा लग जाता है, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं। नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ी है, अभी ऑफिस के करीब पहुंच गया हूँ मैं। बैटरी में चेंज करा ली थी, अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा है, कल इसका पता चलेगा फुल कि ये करंट छोड़ जाती है या वाकई बैटरी का इशू था। क्या कर रहे भाई, लिमोजीन ये इन्होंने सही निकाला है, जो लिमोजीन की गाड़ी है ना उस पर लिमोजीन की नंबर प्लेट लग रही है और प्राइवेट पे नहीं लगती, ये लिमोजीन कंपनी के नाम पे ही होती गाड़ी। ठीक है फिर ऊपर मैं जाता हूँ, एक बंदे ने आना है मिलना है तो उससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो चेंज ले रहा है मेरे पास, लाइसेंस वो ले आएगा इंशाल्लाह कुछ दिन तक, क्योंकि सिग्नल टेस्ट उसने पास कर लिया, तो बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देते हैं। यार 4:15 का टाइम हो रहा है और दोस्त का मैसेज आया था कि थोड़ा जल्दी आ जाना, उसने जाना है, मैंने सोचा चलें फिर निकलते हैं, वैसे भी जाते जाते टाइम हो जाएगा इतना तो। इस टाइम ऐसे रश होता है और जहाँ पे 5 मिनट लगने होते हैं वहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज की फिर अपडेट यही थी कि चेंज नहीं दिया उन्होंने,
बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बहुत लेंथी इन्होंने बनाया हुआ है, कोई आसानी नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए, फिर जल्दी आपको मिल जाएगा काम। जल्दी जल्दी काम होता है, पिस्सा पिस्सा लगाना पड़ता है भाई। या फिर कोई अरबी का रेफरेंस हो तो काम जल्दी हो जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि 50 वीज़े अप्लाई किए थे, उसमें से 7 दिए हैं इन्होंने, वो भी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये दे दो, वो दे दो, फलां दे दो, ये दे दो। उसके बाद फिर जाके वीज़े दिए हैं 7। चलें कोई इशू नहीं है, 7 फिर ले लेंगे। 30-35-40-50 बंदा हो जाए ना उतना फिर चलेंगे, है कि गाड़ी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है फिर इंशाल्लाह, आज फिर वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। रोज़े के बाद पे वैसे ही कुछ होश नहीं रहता, नींद सी आती है। कल भी मैं सो गया था 6 बजे, 1-2 घंटा तो सोया रहा, फिर जाके मैं फ्रेश हुआ। तो व्लॉग का एंड करते हैं, उम्मीद काफ़ी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं कतर से रिलेटेड, इंशाल्लाह जितना मेरे इल्म के अंदर होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।